पीएम मोदी ने भी दिल्ली हादसे पर तोड़ी चुप्पी, कर दिया बड़ा ऐलान। नमस्कार। दिल्ली में रविवार सुबह का दिन बेहद भयानक साबित हुआ, जहां एक फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें 44 लोग काल के गाल में समा गए। इस घटना को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने जांच के आदेश दे दिए हैं। केजरीवाल खुद भी मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे थे। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है, उन्होंने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। दिल्ली में हुए इस हादसे के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। भाजपा नेता विजय गोयल ने हादसे के बाद मौके पर पहुंचकर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। वहीं भाजपा नेता मनोज तिवारी ने भी केजरीवाल पर हादसे को लेकर सियासी वार किए। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के लिए 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा कर दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली हादसे पर चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने ट्विटर पर इस हादसे को भयानक बताया है। उन्होंने कहा कि उनकी संवेदना मृतकों के साथ है। इसके साथ ही उन्होंने घायलों के जल्द सेहतमंद होने की कामना की। इसके साथ ही मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष से मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे।